हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए दो तरह की पनीर की सब्जी बनाना बताऊंगी। एक सब्जी बनाऊंगी मैं मसाला पनीर, और एक मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च की और प्याज की बिल्कुल सिंपल सब्जी जिसमें कोई मसाला नहीं पड़ेगा। तो हम लोग चलिए फटाफट आज दोनों सब्जियां बनाते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। यहाँ मैंने शिमला मिर्च को चौकोर पीस में काट लिया है, प्याज को भी मैंने वैसे ही काट लिया है। ये देखिए, आप इस पीसेस से काट लीजिएगा, और आपको दूसरी तरह से काटना है तो आप उस तरह भी काट लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया और मिर्ची को अच्छे अच्छे से चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने दो तरह के पनीर के पीसेस को काटा है, जिससे मैं मसाला पनीर बनाऊंगी और इससे मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च डालकर पनीर की सब्जी। यहाँ पे मैंने और ये जो बड़े पीसेस की जो पनीर है उसको मैंने इसी पीस से कर रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन मिर्चा और टमाटर डाल के पीस लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए, जो चिली उसमें पड़ेगा मसाला पनीर में, और ये सिर्फ चिली पनीर में पड़ेगा काली मिर्च। और यहाँ पर मैंने लिए हरी धनिया। यहाँ मैंने पूरी तैयारी पहले से करके रखी है। यहाँ पे मैंने मसाला पनीर पहले मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में करीबन 3 चम्मच तेल लिया था, और जैसे ही तेल हो गया मैंने उसमें जो मसाला पीस के रखा था वो मैंने अच्छे से पकाने के बाद इसमें लाल मिर्च, सब्जी मसाला पाउडर, धनिया पाउडर ये सब मिक्स करके अच्छे से चला दूंगी। और यहाँ पे मैं कोई भी बाहर का पनीर का मसाला नहीं ऐड करूंगी इसमें, सिर्फ घर के मसाले से उसको अच्छे से बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ मसाला अच्छे से पक जाने के बाद मैंने जो पनीर के बड़े पीसेस करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मसाले को मैं 5 मिनट के लिए ढकूंगी और मसाला फटाफट से हो जाएगा। ये देखिए, मसालों ने तेल छोड़ दिया है, ये अच्छे से पक गया है। मैंने धीमी आंच में करीबन 5 मिनट के लिए मसाला पका लिया था। पकने के बाद मैं यहाँ पे पनीर के पीसेस डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही पनीर के पीस डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। पानी में थोड़ा रुक के डालूंगी 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाने के बाद। उसके बाद मैं नमक भी इसमें ऐड कर दूंगी। आप बिल्कुल गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। ये देखिए, यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे पानी ऐड करूंगी। आप अपने हिसाब से इसमें पानी डालिएगा जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। मैं सिर्फ रोटी के हिसाब से बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे कम ही पानी रखूंगी। यहाँ मैं करीबन आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दूंगी। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ एक बॉयल अच्छे से आने दूंगी और सब्जी मेरी तैयार हो जाएगी। क्योंकि बच्चों को, देखिए, हस्बैंड को सब्जी पसंद है चिली पनीर और बच्चों को पसंद है मसाला पनीर, तो मैंने सोचा क्यों ना पनीर से आधी आधी सब्जी बना ली जाए, जिसको जो पसंद है वो खा लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया लेकिन मैंने सब बना दिया। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला रोक के रखा था, वो मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया है। और ये सब्जी अब एक बॉयल आने के बाद पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट करके अपनी राय दिया करिए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। यहाँ एक बॉयल आने के बाद मैंने धनिया पत्ती डाल दी अच्छे से। अब मैं यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज की जो सब्जी बनाने जा रही हूँ उसको मैं तैयार करूँगी। यहाँ मैंने जो छोटे पीसेस करके रखे थे पनीर के, मैंने करीबन इसमें भी 3 या 4 चम्मच मैंने तेल डाला है। उसके बाद मैंने सीधे इसमें पनीर को फ्राई कर लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा पनीर को फ्राई नहीं किया है, हल्का सा पीलापन पनीर में आ गया है, मतलब हल्की सी फ्राई हुई है, बस मैंने निकाल लिया। अब मैं पहले इसमें प्याज ऐड करूँगी, मैं इसमें पहले लहसुन और मिर्ची का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं इसी में डाल दूंगी। आप पेस्ट बना लीजिए चाहे मिर्चों को एकदम महीन महीन चॉप कर लीजिए। इसको हल्का सा पकने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च। इसमें और कोई मसाले ऐड नहीं करना, बस इसमें ही मैंने 2 ही 3 चीज़ें डाली हैं। काली मिर्च डालने के बाद मैं सबसे पहले इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को हल्का सा सॉटे होने, एकदम लाइट पिंक हो जाएगा बस। उसके बाद में शिमला मिर्च डालकर दोनों को तेज आंच में, आपको ये समझ लीजिए कि गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है, आपको बराबर इसको चलाना है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा तेज है तो आप 1-2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम मीडियम लो कर सकती हैं, वैसे इसको ये हाई फ्लेम पे ही पकेगी सब्जी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है। यहाँ पे शिमला मिर्च भी सब डालने के बाद मैं इसको 3-4 बार करके खुली ही इसको ऐसे बार बार पकाऊंगी। इस सब्जी को बंद नहीं करना है। और ये पकने के बाद में थोड़ा सा मेरे पास एक लाल शिमला मिर्च रखी थी, मैंने इसी में ऐड कर दी कि इसको कहाँ छोड़ा जाए, इसको भी इसी में डाल के अच्छे से पका ली जाए। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है। देखिए, सब्जी करीबन 5-6 मिनट मैंने इसको तेज आंच में फ्राई किया। और यहाँ जो मैंने पनीर फ्राई करके रखी थी वो भी मैंने इसी में ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैं नमक सबसे लास्ट में डालूंगी, क्योंकि अगर मैं पहले ही से ही नमक डाल दूंगी इसमें तो इसका जो मॉइस्चर होगा वो छूट जाएगा, सब्जी पानी पानी ऐसी हो जाएगी।
और सबसे लास्ट में पक सब्जी बिल्कुल पकने वाली होती है, बस लास्ट में हम लोग उसमें नमक डाल लेंगे। स्वाद आप स्वाद के अनुसार ही इसमें आप नमक डालिएगा। बस यहाँ देखिए सब्जी पूरी तरह से, थोड़ी सी धनिया पत्ती रखी थी तो मैंने वो भी इसी में ऐड कर दी। ये सब्जी जितनी मसाला पनीर सब्जी खाने में टेस्टी, उतनी ये भी बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे दोनों सब्जी अच्छे से तैयार हो गई है। और तो आप लोग इसको बनाकर देखिएगा और अपने परिवार के साथ इसको एंजॉय करिएगा। ये सब्जी बहुत ही अच्छी है, चाहे वो मसाला पनीर हो, चाहे वो शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी हो। आप जब एक बार ट्राई करके खाएंगी सब्जी, आप लोगों को बहुत पसंद होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करूँगा। We'll be right back.